तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आ चुके हैं यार एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी गेम में आने वाले कुछ अपकमिंग न्यू एंड अपडेट्स के ऊपर। तो गाइस, आप सभी को बताइए हमारी गेम में आने वाली है अपडेट, OB23 की अपडेट आने वाली है। एंड अपडेट के बाद गाइस आप लोगों को कौन सा गोल्ड रॉयल के अंदर बंडल देखने को मिलने वाला है, वेपर रॉयल के अंदर आप लोगों को कौन सी गन की स्किन देखने को मिलने वाली है, एंड हमारे डायमंड रॉयल के अंदर कौन सा बंडल आने वाला है, सभी कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। एंड गाइस साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे अपडेट के बाद आप लोगों को जो इवेंट देखने को मिलने वाला है थर्ड एनिवर्सरी के नाम से। एंड गाइस साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे शॉप के ऊपर भी, मिस्ट्री शॉप 10.0 के ऊपर, जिसे हम लोग मिस्ट्री शॉप 10.0 भी बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। गाइस मिस्ट्री शॉप कब आएगी, कौन सी डेट को आने वाली है, एंड गाइस सभी कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, कंफर्म डेट बताने वाला हूं मिस्ट्री शॉप की। तो गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लेना। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड साथ ही साथ यार बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हाँ गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं हमारे वेपन रॉयल के ऊपर। तो गाइस आप लोगों को नेक्स्ट वेपन रॉयल कौन सा देखने को मिलने वाला है, हमारे वेपन रॉयल के अंदर कौन सी गन की स्किन आने वाली है, मैं आप लोगों को चल के दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ये वाली गाइस आप लोगों को M1887 की स्किन आप लोगों को नेक्स्ट वेपन रॉयल के अंदर देखने को मिलने वाली है हमारी गेम में। तो गाइस बहुत ही कमाल की ये वाली M18 की स्किन है। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाली आप लोगों को कैसी स्किन लगी। मुझे तो बहुत ही कमाल की यार ये वाली स्किन लगी। वैसे ही मैं यार ये M18 यूज करता हूँ, बहुत ही कमाल की शॉटगन की, मतलब ये शॉटगन है। तो गाइस इसकी स्किन अगर मेरे पास आ जाएगी तो और ओपी हो जाएगा। तो गाइस बहुत ही ओपी वाली ये M18 की स्किन है, आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हमारे गोल्ड रॉयल के ऊपर। गोल्ड रॉयल के अंदर आप लोगों को कौन सा बंडल देखने को मिलने वाला है, इसके ऊपर गाइस हम लोग बात कर लेते हैं। तो गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ये वाला बंडल जो आप लोगों को नेक्स्ट हमारे गोल्ड रॉयल के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो गाइस बहुत ही कमाल का, मतलब इतना अच्छा भी नहीं है यार, ठीक ठाक बंडल है। तो ये वाला आप लोगों को हमारे नेक्स्ट गोल्ड रॉयल के अंदर देखने को मिलेगा ये वाला बंडल। तो गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं हमारे डायमंड रॉयल के ऊपर। तो गाइस ये वाला बंडल गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ये वाला गाइस आप लोगों को नेक्स्ट हमारे डायमंड रॉयल के अंदर ये वाला बंडल देखने को मिलने वाला है, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो बहुत ही जल्द गाइस ये वाली अपडेट के बाद आप लोगों को हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप लोगों को ये तीनों गाइस आप लोगों को कैसी लगी, डायमंड रॉयल, वेपन रॉयल एंड हमारा गोल्ड रॉयल, तीनों आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं हमारे थर्ड एनिवर्सरी, जो थर्ड एनिवर्सरी के नाम से फ्री फायर का इवेंट आने वाला है। तो गाइस 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं फ्री फायर को। तो गाइस आप लोगों को कौन सा इवेंट देखने को मिलेगा, इवेंट के अंदर कौन कौन से बंडल, कौन कौन सी गन की स्किन, जो भी कुछ आप लोगों को देखने को मिलने वाला है फ्री फायर थर्ड एनिवर्सरी इवेंट में, मैं आप लोगों को एक एक करके सब कुछ दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मेल कैरेक्टर का बंडल आप लोग देख सकते हो। गाइस ये वाला मेल कैरेक्टर का बंडल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है फ्री फायर की अपडेट के बाद आने के बाद आप लोगों को इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा, फ्री फायर थर्ड एनिवर्सरी इवेंट के अंदर। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही कमाल का बंडल है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये वाला बंडल, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस यहाँ पे आप लोगों को वॉलेट के अंदर एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोग अटैचमेंट कर सकते हो एक और। तो यहाँ पे गाइस बहुत ही अच्छा यार ये वाला बंडल, मतलब इन्होंने बनाया ग्रीना वालों ने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसकी जैकेट काफ़ी अच्छा ओपी वाला बंडल है गाइस। तो आप लोगों को ये फ्री फायर के जो थर्ड एनिवर्सरी इवेंट आने वाला है उसके अंदर गाइस आप लोगों को ये वाला बंडल देखने को मिलेगा। तो गाइस मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वाला बंडल कैसा लगा। गाइस आगे हम लोग आप लोगों को चल के दिखा देते हैं जो हमारा फीमेल कैरेक्टर का बंडल है। तो गाइस ये हमारा फीमेल कैरेक्टर का बंडल होने वाला है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस ये वाला बंडल फीमेल कैरेक्टर का आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्री फायर थर्ड एनिवर्सरी इवेंट के अंदर। तो गाइस देख सकते हो इसका भी जोकर जैसा फेस है एंड हेयर व्हाइट कलर के हेयर, बहुत ही कमाल का गाइस, मुझे तो काफी अच्छा लगा फीमेल कैरेक्टर का बंडल भी। तो हो सकता है गाइस आप लोगों को ये सब कुछ फ्री में मिले, मेल कैरेक्टर का बंडल भी एंड फीमेल कैरेक्टर का बंडल भी। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को फीमेल कैरेक्टर का बंडल कैसा लगा। मैं फीमेल कैरेक्टर का बंडल इतना, मतलब फीमेल कैरेक्टर यूज नहीं करता। तो गाइस आप लोगों को मैं आगे चल के सब कुछ दिखा देता हूँ, जो जो भी आप लोगों को लूट बॉक्स, स्केटबोर्ड, जो भी गन की स्किन एंड पैराशूट की स्किन, जो भी आप लोगों को गेम में देखने को मिलने वाला थर्ड एनिवर्सरी में, वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आप लोगों को बैकपैक की स्किन दिखा देता हूँ। तो गाइस ये वाले बैकपैक की स्किन आप लोगों को इसी इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो ये लेवल 3 का बैकपैक एंड ये लेवल 2 का देख सकते हो गाइस, बहुत ही कमाल का ये वाला बैकपैक यार, काफी अच्छा बनाया है इसी का, मतलब कॉम्बिनेशन करके एक जैसी यार सभी चीजें हैं। तो यहाँ पे लेवल 1 का देख सकते हो, ये लेवल 1 का यार बैकपैक काफी अच्छा है। एंड गाइस यहाँ पे बैट की स्किन भी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो ये वाले बैट की स्किन भी गाइस आप लोगों को इसी इवेंट के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो काफी अच्छी स्किन है गाइस, ये देख सकते हो गाइस, ये FF डाटा माइनर की तरफ से आई है लीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला लूट बॉक्स की स्किन, ये लूट बॉक्स की स्किन भी आप लोगों को इसी इवेंट के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो गाइस ये मतलब ओरिजिनल लीक देते हैं ये डाटा माइनर वाले। यहाँ पे पैराशूट की स्किन भी आप लोग देख सकते हो, तो ये पैराशूट की स्किन आप लोगों को नेक्स्ट देखने को मिलने वाली है, जोकर वाली है यार, सभी कुछ जोकर वाला है। एंड नेक्स्ट ग्लो वाल की स्किन भी जोकर वाली है। तो देख सकते हो ये जोकर वाली ग्लो वाल की स्किन भी बहुत ही कमाल की है गाइस, तो ये भी आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी इसी इवेंट के अंदर। तो गाइस
सभी कुछ जोकर वाला ही बना रहे हैं। यार यहाँ पे बाइक की स्किन भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, तो ये वाली बाइक की स्किन भी इसी इवेंट के अंदर आने वाली है। तो वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये वाला इवेंट। एंड गाइस यार साथ ही साथ आप लोगों को इसी इवेंट के अंदर दो गन की स्किन भी देखने को मिलने वाली है, एक तो यार ये SKS गन की स्किन, एंड गाइस आप लोगों को साथ ही साथ हमारे XM8 की स्किन भी देखने को मिलने वाली है इसी इवेंट के अंदर। तो देख सकते हो ये वाली XM8 की स्किन भी इसी इवेंट के अंदर आने वाली है। तो गाइस वैसे तो मैं यार डबल फायर रेट वाली जो XM8 है वो यूज करता हूँ, तो अभी इसकी यार अवेलेबिलिटी पता नहीं चली क्या, मतलब इसका फायर रेट होने वाला है क्या, डैमेज होने वाला है, तो कुछ भी अभी इसका पता नहीं चला। तो जैसे ही पता चल जाएगा इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो गाइस ये आप लोगों को फ्री फायर का जो 3rd एनिवर्सरी इवेंट आने वाला है उसके अंदर यार सभी कुछ देखने को मिलेगा, तो हो सकता है यार आप लोगों को ये सब कुछ फ्री में देखने को मिल जाए। तो बस बहुत ही कमाल का मुझे तो ये वाला इवेंट लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये वाला इवेंट कैसा लगा। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं हमारे मिस्ट्री शॉप के ऊपर। तो बस यार मिस्ट्री शॉप पे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, हर बंदा यार पूछ रहा था भाई यार मिस्ट्री शॉप कब आएगी, यार हमने इलाइट पास नहीं लिया, कन्फर्म बताओ यार मिस्ट्री शॉप आएगी कि नहीं आएगी। तो बस मैं आप लोगों को बता दूं कि यार 25 जुलाई को कन्फर्म हो चुका है, 25 जुलाई को या 24 जुलाई को आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। हो सकता है आप लोगों को 24 जुलाई को देखने को मिल जाए, वैसे दूसरे शहर में 24 जुलाई को आ जाती है इंडोनेशिया के सर्वर में, तो 24 जुलाई को इंडोनेशिया के सर्वर में आ गई तो हमें 25 जुलाई को देखने को मिल जाएगी हमारे सर्वर में। तो गाइस कंफर्म हो चुका है यार इस मंथ आने वाली है मिस्ट्री शॉप। एंड गाइस जो बंडल है मिस्ट्री शॉप के वो अच्छे ही देखने को मिलेंगे आप लोगों को, काफी यार बंदे अलग अलग, मतलब कोई बंदा कोई बंडल बता रहा है, कोई बंदा कोई बंडल बता रहा है। अभी जो ग्रीना की तरफ से ऑफिशियल लीक निकल के आती है जो मिस्ट्री शॉप के बंडल की, वो अभी तक कोई भी लीक निकल के नहीं आई कौन से बंडल कोई भी ग्रीना यार दे सकती है। तो मिस्ट्री शॉप 10.0 होने वाली है, कोई अच्छे ही बंडल देगी मिस्ट्री शॉप के अंदर यार ग्रीना वाले। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने अभी तक इलाइट पास लिया है कि नहीं लिया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस जो मिस्ट्री शॉप होगी वो आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी 24 जुलाई या 25 जुलाई को। तो गाइस यार कुछ ही दिन बाकी है यार 24-25 जुलाई में, यार 3-4 दिन वेट कर लो तो आप लोगों को 100% देखने को मिल जाएगी आप लोगों के यार गेम के अंदर मिस्ट्री शॉप। तो 100% आने वाली है यार, काफी बंदे यही कमेंट करके बोल रहे थे कि यार मिस्ट्री शॉप आएगी कि नहीं आएगी, यार हमने भाई इलाइट पास लेना है अभी तक इलाइट पास नहीं लिया। तो यार 100% आएगी। एंड जो बंडल है यार मिस्ट्री शॉप के उसकी अभी तक कोई भी ऑफिशियल लीक नहीं मिली जो ग्रीना की तरफ से आती है, कोई भी यार हर मतलब यूट्यूबर अलग अलग बंडल बता रहा है, तो अभी जो ऑफिशियल लीक मिलेगी उसके ऊपर यार मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में बस यही था। तो अभी तक यार आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड साथ ही साथ यार बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। तो गाइस मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड शेयर जरूर करना।